जरूरत है। और तो ये संस्कार बच्चों को बचपन से अगर उसके अंदर आप डालते हैं तो उनका समग्र विकास होगा प्रकृति पर्यावरण से। आज युवाओं को ये नहीं पता, छोटी छठी सातवीं के बच्चे को, कि ये जो अन्न आप ग्रहण कर रहे हो कौन से सीजन में उगता है। अगर आप उससे पूछ लें कि ये बाजरे की आप रोटी खा रहे हो कौन से सीजन में उगता है, इसकी तासीर क्या है, गर्म है या ठंडी, नहीं पता। वो कहे, उसे पूछो आप चने की मिसी रोटी खा रहे हैं, अगर आप मैदा की रोटी खा रहे हैं, मैदा किस चीज़ से बनता है, उसकी तासीर ठंडी है या गर्म, उसे नहीं पता। तो जब जिस बच्चे को ये नहीं पता कि आप इस मंदिर रूपी शरीर में क्या डाल रहे हो और डालने से क्या उसका प्रभाव होगा, तो फिर उस बच्चे को कहीं ना कहीं कोई भी मिसगाइड कर देगा कि आज कोविड आ गया, आज कोरोना आ गया, फलां वैक्सीनेशन ले, फलां वो ले, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं। मूल रूप पर उसको जो जानकारी होनी चाहिए वो नहीं पता। व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान का मतलब है जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आए। साइंस केयर थीटा प्लस कोस केयर थीटा बराबर में वन, हमने सीख लिया मैथ का एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, जीवन में कहाँ काम आया 90% भारत के युवाओं को नहीं पता, ठीक है, लेकिन रट रहे हैं, क्यों, सिलेबस में है। लेकिन व्यवहारिक ज्ञान का मतलब होता है, पुराने लोग अपनी खाट खुद बुन लेते थे, पुराने लोग इन कोल्लू के माध्यम से अपना तेल निकाल लेते थे, पुराने लोग चार आदमियों को लग करके अपना छप्पर, अपना मकान, खुद भवन निर्माण कर लेते थे। पुराने लोग मतलब जो उनकी रोज़मर्रा की जो जीवन में आता है उनको पता होता था। जैसे कि अगर उनके पास गोधन है, किस तरह की बीमार हो गई, नाक में से अगर उसके श्लेष्मा आ रहा है या कुछ रीट टाइप आ रहा है तो सर्द गर्म में आ चुकी है, वो दो चीज़ कूट के देते थे वो ठीक हो जाती थी। अब होपलेस, आज कहीं ना कहीं वेटनरी के डॉक्टरों के ऊपर आज आश्रित होपलेस हो जाते हैं भैया, बुखार होते ही। तो यही चीज़ें आज हमें समझने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा इस शरीर में कचरा डालोगे उतना आपका शरीर क्षीण होता जाएगा। जितना इसको बलिष्ठ और बल पोषित खाने से अगर इसको आप, और खाने का भी एक नियम होता है, ये चीज आप वो फिर लंबी वीडियो हो जाएगी, बाकी एक छोटी सी संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूर्योदय होने से 2 घंटे के अंदर अंदर आपकी जो जठराग्नि है वो पूरी तरह से भड़की हुई है, पूरी तरह से वो कह रही है। आप देखना 9 बजे आपके पास है ना, आपको कहोगे कि यार पेट में है ना भूख लग रही आती, लेकिन उस टाइम को अगर आपने टाल दिया ना 11 बजा दिए तो आपकी भूख आधी मर चुकी होती है। तो जैसे जैसे ये सूर्य ऊपर जाएगा वैसे वैसे जठराग्नि बढ़ती है, जैसे जैसे सूर्य डूबता है वैसे वैसे जठराग्नि सो जाती है। तो रात्रि होने के बाद बहुत ज़्यादा गरिष्ठ या भारी भोजन करने का नियम नहीं है, जबकि जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम वो ये चीज़ों को नहीं बताता। वो ये कहता है कि रोटी है मतलब आटा है, गेहूं है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फलानी चीज़ है केला है, केला मतलब उसमें कैल्शियम है और ये आपकी बोन्स के लिए, लेकिन वो उसका जो ऋतु आहार और दिन के अनुसार जो आहार करते हैं, ठीक है, वो चीज़ें बताने में असमर्थ है। अगर दही को आप सुबह के समय खाएंगे तो बहुत अच्छा है, शाम के समय खा लिया तो वही आपके कहीं ना कहीं आपकी जो ठंड है वो ठंड बढ़ाता चला जाएगा, आपको जुखाम होगा आपको। इसी तरह से लस्सी, दिन उगते उगते आप लस्सी का सेवन करें, छाछ या मट्ठा, जो एक नियम भी है कि निशांते च पिबेत तवारी, दिनांते च पिबेत दुग्धम, भोजनांते पिबेत तक्रम, वैदस्य की परियोजनम, मतलब निशा का अंत, रात्रि का अंत होने पर आप गुनगुने पानी का सेवन करें सुबह सुबह भोरे भोर। दिनांते च पिबेत दुग्धम, दिन का अंत होने पर आपको दूध का सेवन बताया गया है, मतलब सोने से पहले 1-2 गिलास आप नुआया गर्म गर्म दूध लें, ठीक है। भोजनांते पिबेत तक्रम, भोजन का अंत होने पर तक्र का सेवन करें, तक्र मतलब छाछ, भोजन जब कभी भी लेते हैं अंत में छाछ पिए आप, आपका हाजमा बड़ा दुरुस्त रहेगा। वैदस्य की प्रयोजनम, जिसने ये नियम अगर फॉलो कर लिए तो वहाँ पर वैद्य का प्रवेश नहीं होता, वैद्य मतलब डॉक्टर आता ही नहीं, बीमारी आप होते ही नहीं, लेकिन वो नियम जो है वो आज हमारे युवाओं को पता नहीं है।